मध्य प्रदेश के किसानों के लिए गुड न्यूज, ओला पीड़ित किसानों को मिलेगा मुआवजा। करीब 1,70,000 किसानों को मिलेगी राहत राशि। 25 जिलों के किसानों को होगा फायदा। एमपी में संत रविदास जयंती पर बीजेपी करेगी कार्यक्रम। पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर होगा कार्यक्रम। आज बीजेपी मनाएगी रविदास जयंती। प्रदेश के 22,000 से ज्यादा पंचायत में होंगे आयोजन। यूपी के फतेहपुर में सीएम बघेल का डोर टू डोर कैंपेन। योगी आदित्यनाथ को बताया माफिया, कहा महंगाई कम करना है तो माफिया को निपटाना होगा। छत्तीसगढ़ में गरमाया राजस्व अधिकारियों और वकीलों के विवाद का मामला। काली पट्टी बांधकर वकीलों ने जताया विरोध। भ्रष्ट तहसीलदार को हटाने की मांग। हिजाब विवाद के बीच छत्तीसगढ़ के निजी स्कूल में ड्रेस कोड की अनिवार्यता खत्म। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का फैसला। बीजेपी ने सरकार पर लगाया तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप। बीजापुर में अगवा इंजीनियर को नक्सलियों ने किया रिहा। 5 दिन पहले पुल निर्माण के दौरान किया था अगवा। इंजीनियर की रिहाई के लिए जंगल में भटक रही थी पत्नी। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कमलनाथ के सम्मान समारोह में विवाद हो गया। कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। ओबीसी नेता को मंच से उतरने के लिए कहने पर यह पूरा विवाद हो गया। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ का असली चेहरा यही है, तो उन्होंने ये भी कहा कि यादव समाज के अध्यक्ष राम स्वरूप यादव को मंच से भगाया गया। ओबीसी नेता को मंच से उतरने के लिए कहने पर यह पूरा विवाद हुआ। बता दें, बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। अध्यक्ष रामस्वरूप यादव को मंच से भगाया गया। उन्होंने कहा कि ओबीसी का दुश्मन कमलनाथ का असली चेहरा यही है, तो उन्होंने ये भी कहा कि यादव समाज के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि और कांग्रेस कमेटी के सचिव रामस्वरूप यादव मंच पर कमलनाथ का सम्मान करने पहुंचे ही थे। कमलनाथ ने इशारा कर पिछड़े वर्ग के नेता को, अपने गुंडों को इशारा कर मंच से भगा दिया। एक तरह से इस पर वाद विवाद की स्थिति भी पैदा हो गई है। कमलनाथ के सम्मान समारोह में विवाद का मामला हो गया। मामले पर रामस्वरूप यादव ने पूरे मामले पर सफाई दी। थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब कमलनाथ के लिए नारे लगा रहे थे, कांग्रेस पार्टी एक है, तो रामस्वरूप यादव ने भी इस पूरे मामले पर सफाई दी और सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक है और हम सब कमलनाथ के लिए नारे लगा रहे थे। तो हम लोगों ने सम्मान रखा था और सम्मान में जिस तरीके की जो वातावरण बनाया जा रहा है कि कमलनाथ जी क्या जो है विवाद हुआ, ये सब झूठी बात है। कार्यकर्ता बहुत सारे थे, एक्चुअल मंच पर भीड़ हो जाती, कार्यकर्ताओं को समझाने का काम हम लोग कर रहे थे। उसी बीच में थोड़ा बहुत अगर कहीं थोड़ी बहुत नोकझोंक अगर हो गई हुई कार्यकर्ता की, तो ये सम्मानित बात है। हम लोग तो कमलनाथ जी का नारा लगाने वाले, कमलनाथ जी 27% आरक्षण दिलाने का जो काम किया है, तो हमारे नेता तो वो है। हम लोग तो ओबीसी का लगातार काम करते, कमलनाथ जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने ओबीसी को आरक्षण दे दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि उन्होंने कुछ किया तो है नहीं। शिवराज जी झूठे ओबीसी बन के घूम रहे हैं। अगर ओबीसी के नेता वो होते तो शायद 15 साल पहले आरक्षण लागू हो जाता। तो ये इनकी झूठी बात है। जबलपुर में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिजली के बढ़ते दाम को लेकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने बिजली मुख्यालय शक्ति भवन का घेराव किया। इस दौरान हंगामा होने पर पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। साथ ही कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि सीएम शिवराज ने घोषणा की थी कि कोरोना काल में गरीबों के बिजली बिल माफ किए जाएंगे, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी उन्हें बिजली काटने और कुर्की करने की धमकी देकर बिल भरने का दबाव बना रहे हैं। बता दें, कल भवन का घेराव किया गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे भारी संख्या में लोग पहुंचे थे और शक्ति भवन का घेराव किया गया। तो वहीं स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। नहीं भर पा रहा, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, और अब बिजली का बिल माफ करने की बात करते हैं तो विधायकों को भी डंडे मारेंगे सर पे। मारिए, वाटर कैनन चलाया, पानी चलाया, गोली भी चलाओ,
मध्य प्रदेश की जनता की हक की लड़ाई लड़ेंगे। जितना जुल्म करना कर लो। और प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ, सरकारें बदलती रहती है, मुद्दा आज गरीबों की बात का है। अगर आप बेलगाम होकर लोकतंत्र को कुचलोगे तो आने वाले समय पे इन गरीबों के आशीर्वाद से हमें आपको कौन सा दंड देंगे इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो बड़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं, जो कोरोना काल में मुख्यमंत्री की घोषणा थी कि सबके बिल माफ होंगे, वो बिल्कुल घोषणा को दरकिनार कर दिया गया। आज लोगों के पास पैसा नहीं है और उनको जबरदस्ती पैसा उगाए जा रहे हैं, उनकी डीपीआर ले जा रही है। ये कैसी सरकार है? कमलनाथ जी की सरकार के समय 100-100 रुपए बिल आते थे, आज 10-10 हजार बिल आ रहे हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी। और ये जब जब शिवराज डरता है, पुलिस को आगे करता है, आज ये हमारे को गिरफ्तार कर ले जा रहे हैं। हम फिर वापस आएंगे, विधायक को मारा गया, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये तानाशाही शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग ज्ञापन देने चाह रहे थे। पुलिस ने पहले पानी चलाया, वहां तक तो ठीक था, लेकिन सिर पे चोट मारना, ये कहां का लोकतंत्र है? ये देखिए आप, सिर पे इतने जोर से चोट मारी जो कि सिर पे कभी मारा नहीं जाता, लेकिन सिर पे इस तरह से चोट करना इस बात को सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बेलगाम हो चुकी है और पुलिस का उसके हाथों में नियंत्रण नहीं है। जब वो मुझे इस तरह से डंडा मार सकते सिर पे, सिर की चोट गंभीर चोट मानी जाती है। आप हाथ पैर में मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर अधिकारी आ जाते ज्ञापन लेने और सबकी मांग सुनने, तो ये नौबत ना आती। वो सूची तो बताएं किनके बिल बढ़े हुए हैं, सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए नहीं, वो सूची दें, लाएं। मैंने विधानसभा सदन में भी ये बात कही थी, आज भी कह रहा हूँ, उनकी जांच कराई जाएगी। अगर जो बिल बढ़े हुए होंगे, अधिक होंगे, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर सिर्फ राजनीति के लिए हमें कुछ भी करना है, ये ठीक नहीं है। खबर भोपाल से है, जहां एमपी के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। ओला पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, तो वहीं 25 जिलों के किसानों का फायदा भी होगा इस मुआवजे से। करीब 1,70,000 किसानों को राहत राशि दी जाएगी। 275 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर भी किए जाएंगे। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ था, जिसके चलते किसान बहुत परेशान थे। और आज उन्हें ओला पीड़ित किसान जो है उनको जो राशि है वो ट्रांसफर की जाएगी। सिंगल क्लिक के जरिए किसानों के खाते में पैसे पहुंचेंगे। बता दें, ओला पीड़ित किसानों को आज मुआवजा मिलेगा। सिंगल क्लिक के जरिए किसानों के खाते में पैसे पहुंचेंगे। 25 जिलों के किसानों को फायदा होगा। मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शब्बीर, हमने देखा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों को काफी भारी नुकसान हुआ था, लेकिन आज फसलों के जो ओला पीड़ित किसान हैं, उन्हें आज मुआवजा मिलने वाला है। मुआवजा मिलने जा रहा है और ये किसानों के लिए काफी राहत भरी खबर है, क्योंकि 25 जिलों के किसान, जहां पर हमने देखा था कि बेमौसम बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी और उसके कारण के ये कह सकते हैं खड़ी फसल बर्बाद हो गई थी, और उसके बाद सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अधिकारियों को आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द सर्वे करवाया जाए। सर्वे रिपोर्ट पिछले 48 घंटे पहले आ चुकी है और अब किसानों को मुआवजा राशि बांटी जाएगी। मध्य प्रदेश के करीब, आपको बता दें, 1,70,000 के करीब किसान हैं जिनको ये राहत राशि बांटी जाएगी। जो राशि की बात की जाए तो 275 करोड़ रुपए है जो राशि बांटी जाएगी सिंगल क्लिक के जरिए अलग अलग किसानों को। 1,70,000 के करीब किसान जो हैं उनको ये राशि आवंटित की जाएगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश से 1,64,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई थी जो वहां पर लगाई गई थी। तो ये कह सकते हैं आम इंसान हो या फिर किसान हो, सरकार सभी के साथ खड़ी भी नजर आ रही है। किसानों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही कह दिया था, जब ओलावृष्टि हुई थी, बारिश हुई थी, फसल बर्बाद हुई थी, कि सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बैतूल में बड़ा आयोजन किया गया था और बड़ी राशि का आवंटन किया गया था। और अब एक बार फिर शब्बीर, कौन कौन से जिले हैं जिनमें किसानों को राहत राशि दी जाएगी? देखिए, जिलों की बात की जाए तो ये राजगढ़ का जिला है, गुना, शिवपुरी, मुरैना, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, ये वो इलाके हैं जहां पर हमने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली थी, और यहीं के किसान सबसे ज्यादा परेशान थे। यहाँ की फसलें पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी थी, खड़ी फसलें थी, वो ये कह सकते हैं कि फसल कटने का वक्त था, लेकिन ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई और फसल बर्बाद हो गई और किसान काफी परेशान थे। तो ये वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज्यादा किसानों को बेमौसम मार।
हिलना पड़ी थी और अब उनको राहत दी जाएगी। लेकिन जी बिल्कुल, करीब 1,70,000 किसानों को आज राहत राशि दी जाएगी। ओलावृष्टि के चलते और बेमौसम बारिश चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ था। शब्बीर बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर हम अपडेट लेते रहेंगे। मध्य प्रदेश में संत रविदास जयंती पर सियासत अब तेज हो गई है। एमपी में संत रविदास जयंती पर बीजेपी कार्यक्रम करेगी। पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर यह कार्यक्रम किया जाएगा। आज बीजेपी रविदास जयंती मनाएगी। बता दें, संत रविदास जयंती के जरिए दलितों को भी साधने की कोशिश होगी। प्रदेश के 22,000 से ज्यादा पंचायत में आयोजन होंगे। मेरे सहयोगी लगातार शब्बीर अहमद हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, आज रविदास जयंती है तो आज बीजेपी के क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? देखिए, रविदास जयंती है और ये देख सकते हैं आज दिन भर हमें ये देखने को मिलेगा कि दलित वोटरों को साधते हुए बीजेपी और कांग्रेस नजर आएगी। सबसे पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं तो बीजेपी ने पंचायत स्तर पर यानी सबसे निचले स्तर पर जाकर ये कार्यक्रम करने का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश में करीब 22,000 के करीब पंचायतें और वहां पर भव्य आयोजन करने के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, विधायक हो या मंत्री हो, सभी को निर्देश दे दिया है कि आप पंचायत स्तर पर जाएं और कार्यक्रम को आयोजित किया जाए और जो समाज के गणमान्य नागरिक हैं दलित समाज के, उनको सम्मान किया जाए, उनके घरों पर भोजन किया जाए। मैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात करूं तो वो पन्ना और छतरपुर और कटनी दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो रविदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये कह सकते हैं कि तमाम नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि पंचायत स्तर पर पहुंचे, जहां जहां संत रविदास जयंती की मूर्ति है वहां पर माल्यार्पण करें और ये बताने की कोशिश की जाए कि बीजेपी की के नेता हो या फिर कार्यकर्ता हो या बीजेपी सरकार हो, वो रविदास जयंती के मौके पर हो या फिर दलितों के लिए हमेशा खड़ी हुई है। और उसी के मद्देनजर आज दिन भर हम देखेंगे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बड़ा कार्यक्रम करने जाएगी। और इसके साथ साथ हम सरकार की ही बात कर ले तो सरकार भी आज जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या विकास खंड पर हो, वहां पर भी बड़ा कार्यक्रम अलीशा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोविड पॉजिटिव, उसके बावजूद भी वर्चुअल वो कार्यक्रम में जुड़ेंगे क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम करने का ऐलान किया गया था सरकार की तरफ से भी। जी अलीशा, देखिए शब्बीर, आज रविदास जयंती तो है ही, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि रविदास जयंती के चलते जो आयोजन होगा उसमें दलितों को साधने की कोशिश की जाएगी, तो क्या इसे 2023 के विधानसभा चुनाव से जोड़ के देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दलित वोटर कई सीटों पर निर्णायक है। करीब आपको बता दे 35 सीटें तो ऐसी है जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और इसमें से पिछली बार की बात की जाए तो 50-50 में दोनों पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी हो, उसके अंदर बढ़ते नजर आए थे। लेकिन 2013 की बात करूं तो अधिकतर सीटें इसमें से बीजेपी के खाते में गई थी और बीजेपी को पता है कि 2018 में हमारे वोट, दलित वोट छिटके थे और उसे वापस अपने पाले में लाने के लिए सारी कवायद की जा रही है। एक तरफ संगठन पंचायत स्तर पर बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है तो दूसरी तरफ सरकार भी तमाम जितने भी संत हैं जो दलित समाज से जुड़े हुए उनका सम्मान करेगी। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस भी सागर में बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद शामिल होंगे, वहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं कि हमारी सरकार 2023 में आएगी तो हम दलित वर्ग के लिए करने जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में दलित वोट काफी निर्णायक है। 16% के करीब दलित वोट है, 80 सीटों पर वो सीधा असर डालते हैं, 35 सीटों पर उनकी रिजर्व है, यानी इन सीटों की, इन वोटों की हर किसी को जरूरत है। और ये जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश के 22,000 से ज्यादा पंचायत में कार्यक्रम होंगे तो वह एमपी में संत रविदास जयंती पर अब सियासत भी तेज होगी क्योंकि आयोजन के जरिए दलितों को साधने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बता दें, देश भर में हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता हुआ अब नजर नहीं आ रहा। इस बीच ग्वालियर में हिजाब को लेकर हिंदू संगठन ने हंगामा किया। फूलबाग चौराहे पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हिजाब को लेकर विरोध दर्ज कराया। रैली निकालने पर अड़े कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हालात को देखते हुए शहर में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। मामला तो रैली का, ये लोग कह रहे थे कि यहाँ से रैली लेकर जाएंगे, पता नहीं कौन सा संगठन है ये भी नहीं पता, लेकिन हाँ हिंदू संगठन है कोई, वो रैली लेकर जाना चाह रहे थे राम मंदिर पर। इस तरह की रैली के लिए विधिवत अनुमति चाहिए एसडीएम का, अनुमति तो छोड़िए हमारे यहाँ आवेदन भी नहीं है, तो जबरदस्ती ये जाना चाह रहा था जिसके कारण
कानून व्यवस्था गड़बड़ ना हो इसलिए हमें गिरफ्तार करना पड़ा। इनकी इनके पास परमिशन नहीं थी तो इनको निकालने नहीं दिया गया है। रैली की चूंकि इनके पास कोई परमिशन नहीं थी तो उन्होंने कुछ लोगों ने गिरफ्तारी दी है तो उनको पुलिस लाइन ले जाया गया है। बाकी जो लोग हैं वो यहाँ से डिस्पर्स कर रहे हैं। इनकी जो प्लानिंग थी वो यहाँ से फूलबाग से लेकर और राम मंदिर तक रैली निकालने की थी और राम मंदिर में पूजा की, तो पूजा की अनुमति चूँकि पूजा तो ये कर सकते हैं लेकिन रैली की परमिशन के द्वारा नहीं ली गई थी तो रैली की परमिशन नहीं थी, इस आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई कुछ लोगों की और बाकी सब यहाँ शांति है। मध्य प्रदेश में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गृह जिले दतिया के पीजी कॉलेज में हिजाब बैन करने पर बवाल मच गया। दरअसल दतिया के पीजी कॉलेज में दो छात्राएं हिजाब लगाकर कॉलेज पहुंची तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने नोटिस जारी कर हिजाब पर बैन लगा दिया। प्रिंसिपल ने कॉलेज में सामान्य ड्रेस में ही आने का नोटिस जारी कर दिया। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कलेक्टर को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के पास शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने वालों पर पाबंदी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है वो भी मैंने देखा है। महाविद्यालय के प्राचार्य ने किस परिस्थिति में किस कारण से और क्यों इस तरह का आदेश निकाला, मैंने कलेक्टर दतिया को तत्काल निर्देश दिए कि इसकी तत्काल संज्ञान लें। प्रदेश सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि हिजाब पर बैन को लेकर सरकार के पास में इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिए न तो कोई इसमें भ्रम फैलाएं और न ही कोई भ्रमपूर्ण कार्रवाई करें, ये सभी से प्रार्थना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेल मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने ग्वालियर में चलने वाली नैरोगेज ट्रेन की नीलामी रोकने की मांग की है। बता दें कि ग्वालियर में नैरोगेज ट्रेन की विरासत संरक्षित रहे और नगर के नागरिकों को परिवहन सुविधा और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को पर्यटन की दृष्टि से भी इसका लाभ मिले, इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले काफी समय से प्रयासरत हैं। इसी क्रम में पूर्व में भी सिंधिया ने ग्वालियर नगर में मेट्रो ट्रेन या टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से नगर के पुराने नैरोगेज ट्रैक पर ट्रेन चलाने के लिए योजना तैयार करने की मांग की थी, लेकिन सिंधिया ने एक बार फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे अपने पत्र में अवगत कराया कि ग्वालियर श्योपुर नैरोगेज ट्रेन की कोचों की नीलामी की जा रही है जिसे रोका जाना चाहिए। जाको राखे साई या मार सके ना कोई, कहावत आपने सुनी होगी। ग्वालियर की तस्वीर कहावत को तस्दीक करती है। निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम जा रही समता एक्सप्रेस में महिला को ट्रेन में चढ़ाने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। चलती ट्रेन में महिला को चढ़ाते वक्त युवक गिर गया। इस दौरान युवक पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। वहीं इन सबसे अचानक से चालक ने ट्रेन की रफ्तार बढ़ा दी पर सवारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन की चेन खींच दी। वहीं आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। जीआरपी के मुताबिक युवक को हादसे में हल्की चोट लगी है। जख्मी युवक का इलाज ट्रॉमा सेंटर में किया जा रहा है। घायल युवक की पहचान आफताब के रूप में बताई जा रही है जो मुजफ्फरपुर का निवासी है। उधर हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं यात्री की जान बचाने पर जीआरपी की टीम को 2000 का नगद पुरस्कार दिया गया है। दमोह जिले में बद इंतजामी और विकास कार्यों की अनदेखी के विरोध में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। जिला कांग्रेस दफ्तर से दमोह कांग्रेस विधायक अजय टंडन और जिलाध्यक्ष की अगुवाई में निकाली गई रैली में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया। वहीं रास्ते में नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। जन आक्रोश रैली में जिला प्रभारी तेंदुखेड़ा विधायक, देवरी विधायक सहित कई नेता शामिल हुए। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सभा आयोजित की गई। रैली में भारी भीड़ को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। सभा के बाद कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने नगरपालिका में व्याप्त अनियमितताओं की शिकायत कलेक्टर से की। वहीं कलेक्टर ने 15 दिनों में सभी समस्याओं का हल का आश्वासन दिया है कि जितने जितने बिंदुओं में जो जो इश्यू उठाए हैं, जो काम जो है अभी तक हुए नहीं है, जो नियमानुसार हो सकते हैं उसकी जांच करके हम लोग जो है नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। और जो हम लोगों को जो है राज्य स्तरीय में हम लोगों को भेजना है वो भी राज्य स्तरीय जो भी है उसको हम लोग भेज के जो नियमानुसार हम लोगों को अग्रिम कार्यवाही करना है वो कराएंगे।
खंडवा जिले की मानधाता विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नारायण पटेल पर सोमवार की रात जानलेवा हमले करने की कोशिश के मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक कार भी बरामद की है। विधायक के चालक ने नर्मदा नगर थाने में धारा 307 के तहत केस दर्ज शिकायत दर्ज कराई थी। खंडवा एसपी ने कहा कि विधायक नारायण पटेल के वाहन को ओवरटेक कर कट मारते हुए गिरने की कोशिश की गई। फिलहाल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। इसमें जैसा कि ज्ञात है कि गाड़ी पहले ही जब्त कर ली गई थी और जो दो आरोपी थे उनको भी प्रवीण और अनवर को उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। उनको कोर्ट में पेश करके उनका पीआर भी लिया गया है और जैसा पाया जाएगा पूछताछ में उस हिसाब से अग्रिम इसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में ऐसा कुछ नहीं आया लेकिन अभी पूछताछ जारी है, कुछ आएगा तो उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। मंदसौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये चोर मोबाइल टावर की बैटरी चुराते थे। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 50 लाख से ज्यादा रुपए की 218 मोबाइल टावर की बैटरियां सहित 4 पहिया वाहनों और 2 मोटरसाइकिलों और हथियारों को जब्त किया है। पकड़ाए गए आरोपियों में से एक आरोपी निजी टेलीकॉम कंपनी में काम करता है। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इसमें देखिए अभी विवेचना आगे बढ़ेगी तो इसमें इनके कुछ और सहयोगी हैं जो इस दिन घटना में नहीं थे बट आगे पिछले पूर्व में हुई घटनाओं में अगर सम्मिलित हैं तो उसके बारे में तस्दीक की जा रही है। साथ ही साथ इन्होंने पूर्व में अन्य चोरियों का जो माल जहां पे खपाया है उसके बारे में जहां पे भी इनका जो माल खपाया उनको भी उनके बारे में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर बुरहानपुर से है जहां किसान ने सुसाइड कर लिया है। सोसाइटी के कर्ज से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। खेत में फांसी लगाकर किसान ने अपनी जान दे दी। शाहपुर थाना क्षेत्र के तारापाटी चिल्लारा की एक घटना बताई जा रही है। बता दें कि किसान ने सुसाइड किया है। कर्ज के चलते वो काफी परेशान था जिसके चलते किसान ने सुसाइड कर लिया है। शाहपुर थाना क्षेत्र के तारापाटी चिल्लारा की एक घटना बताई जा रही है। खेत में फांसी लगाकर किसान ने अपनी जान दे दी। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।